तो फाइनली दोस्तों आपने मैच तो जरूर देखा होगा, जिस तरह पाकिस्तान की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान की टीम ने फाइट जरूर किया था, लेकिन जिस तरह मैथी वेड और स्टोइनिस ने गेम को हैंडल किया, ऑस्ट्रेलिया की पहली इब्तदा में 5 विकेट जिस तरह गिरी, शादाब खान ने उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, लेकिन हसन अली को आज जिस तरह 44 रन पड़ गए, फिर उसके बाद उन्होंने मैथी वेड का कैच छोड़ा, वो कैच नहीं बल्कि मैच छोड़ा है हसन अली ने, और उसके बाद फिर मैथी वेड ने जो है वो 18 रन 3 बॉलों पर बनाए और 20 रन उन्होंने ओवरऑल 4 बॉलों पर बना डाले। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट साबित हुआ ऑस्ट्रेलिया की टीम में, ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए, और मैथ्यू वेट जो है वो मैच ले गए हैं और मैन ऑफ द मैच उनको ही दिया गया है। तो हसन अली की बड़ी मिस्टेक नजर आई पूरे टूर्नामेंट के अंदर। पाकिस्तान की टीम ने बिल्कुल जो आप कह सकते हैं कि एक होकर खेली है पाकिस्तान की टीम, और ज़बरदस्त उन्होंने फाइट किया है भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ जितने मैच खेले हैं पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप में और भी, लेकिन इस मैच के अंदर नहीं बल्कि हसन अली के पीछे के जो मैचेस थे उनके अंदर भी परफॉर्मेंस सही नहीं जा रही थी, लेकिन उनको कंटिन्यू करके खिलाया गया। बाबर आजम ने भी उनकी तारीफ की कि हसन अली मेरा मेन बॉलर है, लेकिन हसन अली ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जिस तरह हसन अली को करना चाहिए था, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं हसन अली को फैंस। तो पाकिस्तान की टीम ने ओवरऑल अच्छा खेला टूर्नामेंट, लेकिन उनका एक दिन जो था वो बुरा आना था और वो दिन आज का था, तो उसके ऊपर रमीज राजा का बयान निकल कर सामना है। क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि वेल डन प्ले, बहुत अच्छा आपने खेला है, और मैं जो है उम्मीद करता हूँ कि आप इसी कम्बिनेशन के साथ जो है बने रहेंगे और इसी तरह की परफॉर्मेंस आगे भी देते रहेंगे। एक दिन जो है वो ख़राब हो गया आपका, लेकिन हमें जो यंगस्टर थे उनसे ये तवक्को नहीं थी कि इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे। भारत वाले मैच में बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दी थी पाकिस्तान की टीम ने, और जहाँ तक जिस तरह पाकिस्तान की टीम पहुँची, पाकिस्तान के साथ बड़ी टीमों ने जो है वो इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ कैंसिल की थी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने, और प्रैक्टिस भी पाकिस्तान को उस तरह की नहीं मिल सकी थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है यहाँ पे और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक पहुँची। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर भी बात करेंगे, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके साथ